6.7 घरेलू विद्युत परिपथ। हमारे घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों मेंस से प्राप्त होती है। यह हमारे घरों में तीन तारों वाली वायरिंग के जरिए पहुंचती है। लाल रंग का तार विद्युतमय तार कहलाता है, नीले या काले रंग का तार उदासीन तार होता है और हरे रंग का तार भू संपर्क तार होता है। हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तारों के बीच का विभवांतर 220 वोल्ट होता है। भू संपर्क तार मोटा तांबे का बना तार होता है, जिसे तांबे की एक पट्टी से जोड़कर भूमि में गाड़ दिया जाता है। इसे विद्युत मीटर से जोड़ने के बाद मेन स्विच से जोड़ा जाता है। विद्युत खंभे से आते हुए विद्युतमय व उदासीन तार सबसे पहले एक स्थिर बक्से से, जिसे विद्युत मीटर कहते हैं, में जाते हैं। पूरे परिपथ में अतिभारण अथवा लघु पतन से लगने वाली आग से बचने के लिए इसे फ्यूज के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब दुर्घटनावश विद्युतमय तार और उदासीन तार संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और परिपथ में से बहुत अधिक धारा बहने लगती है। इस कारण परिपथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और साथ में चिंगारी भी उत्पन्न हो सकती है। फ्यूज किसी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हो, उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि का बना होता है। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है। इससे फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। घरों में प्रायः 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर क्षमता वाला फ्यूज उपयोग में लिया जाता है। बिजली उत्पादन स्रोत से विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा के स्वरूप में उपलब्ध होती है। इस प्रकार की विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा निरंतर बदलती रहती है। इसे एसी अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। घरेलू उपयोग के लिए 5 एम्पियर और औद्योगिक उपयोग के लिए 15 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा की आवश्यकता होती है, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो। सेल अथवा बैटरी से उत्पन्न होने वाली धारा धारा का वह स्वरूप है जिसकी दिशा नियत रहती है। इसकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। इसे दिष्ट धारा डीसी डायरेक्ट करंट कहते हैं।